सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के शेयर चार्ट के ऊपर, तो आज जो है इसका जो लोअर सर्किट ट्रेंड वापस से चालू हुआ, आज पहला लोअर सर्किट है, क्योंकि प्रीवियस क्लोज से अगर आप देखते हैं तो स्टॉक के अंदर पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली थी, एंड यहाँ से जो है स्टॉक वापस से डाउन जाते 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 जो है ट्रेडिंग होते होते एकदम लोअर सर्किट में चला गया। ठीक है, अभी इसी के ऊपर आप ध्यान दोगे लास्ट 5 डेज के अंदर तो स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन दिखा रहा था, एक ही रेंज में, मतलब कि अप्स एंड डाउन दिखा रहा था, कोई खास रिटर्न निकल कर नहीं आ रहे थे। एंड लास्ट 1 मंथ के अंदर देखोगे तो स्टॉक ने रिट्रेसमेंट लिया, देन थोड़ी सी तेज़ी आई, फिर से गिरावट आई, फिर थोड़ी सी तेज़ी आई, फिर से गिरावट आई। अभी क्या है, लोअर एंड लोअर का पैटर्न बनता हुआ स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है, मतलब कि स्टॉक के अंदर खतरा बन चुका है। जब भी स्टॉक लोअर एंड लोअर का पैटर्न बना देता है तो मतलब इसके अंदर खतरा है, इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेने से पहले जो आपको 10 बार सोचना चाहिए, 3-4 टेक्निकल्स देख लेने चाहिए, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। रिटर्न के मामले में कंपनी काफ़ी शानदार रही है, लास्ट 1 साल के अंदर जो है 600% के रिटर्न अभी भी देखने को मिलते हैं। एंड गिरावट से अगर आप देखते हैं, ठीक है, मतलब लोअर पॉइंट से करीब 65 पैसे से अगर आप देखते हो, तो यही स्टॉक जो है आपको 1000% के रिटर्न ऑलरेडी मात्र 8 महीने के अंदर बनाकर दे चुका है। और इस स्टॉक को जो है हमने खरीदा था करीब मई 2021 के अंदर, जब इसकी वैल्यू 20-22 पैसे के आसपास हुआ करती थी। देख सकते हो करीब करीब जो है हमने 15 मई के आसपास जो है स्टॉक को खरीदा था, ठीक है, और वहाँ पर जो है इसकी वैल्यू करीब 20 पैसे के आसपास थी, और वहाँ से रिटर्न अगर आप देखते हो तो 3700% के रिटर्न मात्र 1.5 इयर्स के अंदर देखने को मिलते हैं, मतलब सीधा सीधा 37 गुना जो है इन्वेस्टर्स का पैसा हो चुका है। तो इतनी बड़ी रिटर्न के बाद जाहिर सी बात है कोई भी स्टॉक रिट्रेसमेंट लेगा, और सेम जो है ये भी रिट्रेसमेंट ही लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आपको 2 बात क्लियर कर दूँ, FCS के अंदर ये जो गिरावट हो रही है उसकी सबसे मेन वजह जो है वो है मार्केट की बिगड़ती हुई सिचुएशन। आज जो है मार्केट 302 पॉइंट, मतलब 1.73% के आसपास जो है गिरावट में देखने को मिला, मतलब ये काफ़ी बड़ी गिरावट होती है, और इसके साथ साथ जो है बड़े से बड़े फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक भी जो है आपको नीचे गिरते हुए दिखाई दिए, चाहे बात करें TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर HDFC जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स की। ये सब जो है मार्केट की वॉलेटाइल के साथ साथ जो है थोड़े थोड़े गिरते हुए दिखाई दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो स्टॉक खराब हो गए, मार्केट कल को वापस से ऊपर जाएगी और वो स्टॉक भी आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे। अभी क्या है, लिक्विडिटी जो है लगातार FCS में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसके चलते उसके अंदर नए नए इन्वेस्टर्स जो है लगातार एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये चार्ट अगर आपको यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले भी जो है बड़े बड़े रिटर्न के साथ साथ जो है स्टॉक ने लंबी कंसोलिडेशन लिया, और इसका फेज अगर आप समझो तो उससे पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाना चाहूँगा। लाइक आप सभी जानते होंगे IT बेस्ड कंपनी है, नोएडा में एस्टेब्लिश हुई थी 1993 में, IT इनेबल सर्विस रिलेटेड कामकाज करती है, IT इंफ्रा, IT कंसल्टेशन एंड साथ ही साथ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो है थोड़ा सा इसका हाथ है। बट अभी क्या है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, ठीक है, मुझे पर्सनली जो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट लगता है वो है इसका 250 से ज़्यादा ग्लोबल कस्टमर, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है कंपनी कामकाज करती है बड़े बड़े कस्टमर्स के साथ, ठीक है। एंड साथ में दूसरा जो पॉइंट है इस कंपनी का, ये BSE के साथ साथ NSE के अंदर भी लिस्टेड है, जिसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस। एंड थर्ड पॉइंट जो है, अगर आप पिछले ही साल देखोगे तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट्स है, उसने सारा कर्जा चुका कर डेट फ्री कंपनी हो चुकी है, और किसी भी मल्टीपैगल स्टॉक को आगे बढ़ने के लिए एक डेट फ्री होना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते इसका कंपैरिजन आप देख सकते हो Mphasis, टाटा एलेक्सी, L&T टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो है होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी स्टॉक कंसोलिडेशन में क्यों, सबसे पहले ये समझिए, क्वार्टरली रिजल्ट आपने देखा होगा, कंपनी के नंबर्स एक रेंज में ही है, ठीक है, 8 करोड़ 39 लाख के सेल्स, September 2 का जो रिजल्ट Q2 का रिजल्ट आया था 8 करोड़ 11 लाख का सेल्स हुआ था। बट अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी आफ्टर टैक्स जो है 0.2 लाख, ठीक है, मतलब 2 लाख का जो है इसको नेगेटिव लॉस उठाना पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी ने कोई खास प्रॉफिट नहीं दिया, मतलब तेजी तो आई और बट उसके बाद जो है कंसोलिडेशन जो है थोड़ा सा लंबा चलता हुआ दिखाई दे गया। बट वहीं अगर आप NSE की साइट के ऊपर चलकर देखते हो तो आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन में कुछ डिटेल देखने को मिलेगी, और करीब 3-4 दिन बाद जो है आपको इसके अंदर एक असली धमाका देखने को मिलेगा। अभी क्या है, कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट एंड बिजनेस से रिलेटेड जो आपको कुछ अपडेट्स देने वाली है, और उसकी डेट जो है 11 फरवरी 2022 रखी गई है, ठीक है। तो अभी क्या है, 11 तारीख तक आपको वेट करना है, होल्ड करके रखना है, लेकिन फ्रेश एंट्री जो लेना चाहते हैं वो इसके अंदर, वो भी 11 तारीख का वेट करें, फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी अभी आपको, है बस वेट करना है अपॉर्चुनिटी का। लाइक 11 तारीख को अगर रिजल्ट जो है इसका पॉजिटिव निकलता है तो आपको नज़र बनाकर रखनी है, जितना हो सके उतनी जल्दी जो है बाय कर लेना है, ठीक है,
अगर आप बाय कर लेते हैं तो एक अच्छे खासे रिटर्न जो आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे। बाकी अगर कंपनी ने रिजल्ट नेगेटिव दिया तो स्टॉक आप भी जानते हैं कि लोअर सर्किट में नीचे गिरेगा काफ़ी तेज़ी से, जिससे आप नुकसान से बच जाएंगे। तो जो लोग इसको ऑलरेडी होल्ड करते हैं मैं उनको ये कहूँगा कि 11 तारीख को जो है आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। आप स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है वो भी समझ लीजिए। अभी क्या है, ये लाइन हो गया प्रीवियस लोस, ठीक है, ये हो गया चार्ट। अभी प्रीवियस क्लोज ये है तो जाहिर सी बात है स्टॉक अगर किसी भी रेंज में ऊपर ओपन हो, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में आती है तो स्टॉक जो है अपर सर्किट में चला जाएगा, लेकिन रिजल्ट खराब आ जाता है तो जाहिर सी बात है स्टॉक लोअर सर्किट में यहाँ तक आएगा। तो आपका स्टॉप लॉस जो है यहीं कहीं लगा देना, अगर आपको रिस्क नहीं लेना। कोई भी स्टॉक अगर आगे बढ़ने वाला होता है और उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है तो अपने प्रीवियस जो क्लोजिंग है इसको सपोर्ट को नहीं तोड़ पाता, तो आप जहाँ सेफ्टी के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो यहीं कहीं सेल हो जाएगा और आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। सो डेफिनेटली आपको वेट करना है। फिलहाल अभी देखोगे एनएससी के अंदर काफ़ी अच्छा खासा कामकाज देखने को मिला, 90 लाख का जो है 100% डिलीवरी के साथ। एंड नेक्स्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन के लिए 27 करोड़ क्वांटिटी जो आपको सेलिंग के लिए देखने को मिल रही है। तो मतलब लोअर सर्किट तो बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ मतलब कि स्टॉक के अंदर जो है लाखों करोड़ों में क्वांटिटी बाइंग के लिए सेलिंग के लिए देखने को मिलती थी, अभी सिर्फ 27,000 की सेलिंग देखने को मिल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो लोअर सर्किट तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और मार्केट डेप्थ में फिर सेलर्स आए देन गिरावट आएगी, वरना स्टॉक जो है वापस से अपर सर्किट में जाता हुआ देखने को मिलेगा। साथ में इसके कुछ एडवांस चार्ट की टेक्निकल्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो देख सकते हो कंपनी का जो चार्ट है अभी कोई पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं है। सबसे पहली बात, ठीक है, स्टॉक के अंदर जो है मैंने पहले भी समझा दिया कि लोअर एंड लोअर का पैटर्न बन रहा है तो इसके अंदर खतरा जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा जेंडर जो है डेंजर जोन में। अभी क्या है, जब तक कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई दो हाई को नहीं ब्रेक कर देता तब तक जो है स्टॉक के अंदर खतरा लगातार बना ही रहेगा। तो फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं ऑलरेडी मना ही कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग एंट्री लेके बैठे हैं उनको सेल करने की भी सलाह नहीं दूंगा जब तक कि क्वार्टर थ्री के नंबर्स ना आ जाए। क्वार्टर थ्री के नंबर्स आ जाते हैं उसके अंदर नेगेटिविटी देखने को मिलती है, तो आपको जितना हो सके जल्दी जो है सेल करके एग्जिट करना है और एक वापस से नीचे डिप्स में बाय करने की कोशिश करनी है। बाकी RSI लेवल की बात करें तो RSI लेवल भी जो है आप थोड़ा सा इसका फियर जोन में आता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो इस लेवल पे जिन जिन लोगों ने फ्रेश एंट्री ली है कभी भी उन लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न ही मिला है। RSI के बढ़ते के साथ साथ ये स्टॉक भी काफ़ी ज़ोरों से बढ़ा है। तो सेम ऐसी ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको खतरे की भी घंटी देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि लोअर एंड लोअर का पैटर्न बन रहा है और जब भी लोअर एंड लोअर का पैटर्न बनता है तो एंट्री कभी भी नहीं ली जाती। साथ में अगर आप इसे कुछ अदर डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे इसके पेवट्स लेवल के ऊपर, ठीक है, अभी भी जो है 6.87 रुपये के टारगेट्स निकल कर आते हैं 5.37 रुपये के बड़े सपोर्ट के साथ। एंड वही कामकाज की बात करें तो आज जो है 1 करोड़ का कामकाज देखने को मिला 100% डिलीवरी के साथ। इवन मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो इसका सेंटिमेंट देखिए, सबसे पहले मार्केट सेंटिमेंट या फिर स्टॉक का सेंटिमेंट जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसके अंदर 97% लोग जो है बाय करके होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। इवन एक्सपर्ट भी जो है इसको बाइंग का रिकमेंडेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है, और बहुत से जो लोग हैं वो सिर्फ ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म में ही जो है रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है इससे दूरी बनाकर रखनी है। और 3% लोग जो है ट्रेडर के अकॉर्डिंग इसको सेलिंग करने की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो गाइस FCS का बिजनेस इतना स्ट्रांग है, अभी क्या है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जब मैंने 4-5 महीने पहले सेलर सजेस्ट किया था स्टॉक को तो मैंने बताया था कि ये स्टॉक जो है इस लेवल तक ज़रूर जाएगा, ठीक है, सेम देख सकते हो यहाँ तक आया है। अभी क्या है स्टॉक के अंदर रिट्रेसमेंट होगी, कहाँ तक होगी ये आपको Q3 का रिजल्ट बताएगा, तो वहीं तक आपको वेट करना है। बाकी उसके बाद जो है इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेने का या एग्जिट करने का सोचना। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो जरूर करना, मैं जल्द से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।